बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अज असी तुहानूं ट्रैवल करावांगे जी गद्दों की चौक, 10 फुट के नाल ही गद्दों की चौक है, उत्थों लैके तो हासलपुर शहर तक। तो तुसी रहो साढ़े नाल नाल, साड़ी वीडियो में वेखो मुकम्मल, तो इंशाल्लाह असी तुहानू आए दिन एक नवी वीडियो के नाल हाज़र होने। तो तुहाड़े दोस्तों अगे यही रिक्वेस्ट है कि साड़ी वीडियो में तुसी मुकम्मल वेख्या करो, तो साडे चैनल में सबसक्राइब लाजमी किया करो। तो असी हुण तुहानू लैके चलते हैं गद्दों की चौक तो हासलपुर तक। असी जी हुण गद्दों की चौक कुछ समान लैके आए हुए सां, तो हुण असी जिहड़ा है वापस जा रहे हैं सिटी हासलपुर नूं। तो रोड जिहड़ा है काफ़ी टुटिया फुटिया होया है, तो इहदे ते कैमरा संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फसलां साइड ते हैं, विलेज का माहौल माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। तो 10 चक तो तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर से चौक गद्दों की आ जाता है। तो असी हुण जिहड़ा है 10 फुट बाद नूं जा रहे हैं, तो यह इत्थों जी आबादी शुरू हो गई है 10 फुट बाद ही। तो जिस तरह असी जाते जावांगे तुहाडे नाल शेयर करते जावांगे। तो विलेज का माहौल माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, तो फसलां भी माशाल्लाह काफ़ी हरिया भरिया ने। तो यह 10 फुट आबादी जिहड़ी है शुरू हो गई है। असी हुण गद्दों की चौक वालों 10 फुट दे विच एंटर हो रहे हैं। तो असी जी पिंड पूरा क्रॉस कर लिया, तो आ गया स्कूल। तो एक कारपेट रोड बनया माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत। तो अगले पास ही एक चौक आ जाना, तो चौक तो 4 रस्ते ने। एक तो जाता है जे अड्डा बख्शन खान, तो दूसरा शैली गरबी हैड इस्लाम, तो असी जिहड़ा है सीधा चिश्तियां रोड से निकलेंगे। तो जिस तरह ही सफ़र करते जावेंगे तो नाम शेयर करते जावेंगे। ये आ गया है जी चौक। इहदे स्पीड ब्रेकर जिहड़े ने बहुत ही खतरनाक बने हुए हैं, लोडर गड्डी वास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हैगी जे। तो तकरीबन 5-6 दिन हो गए मेरा कोई व्लॉग नहीं आया, इस करके मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हैगा सा। तो अज थोड़ा जहा टाइम मिले तो इधर समान भी छड़ना सी, तो मैं क्या चलो ट्रैवलिंग व्लॉग बना लीए, क्योंकि 5-6 दिन हो गए अगे जिहड़ा है असी वीडियो नहीं बना सके, कुछ मसरूफियात सी, वो भी मैं तुहानू दूसरी वीडियो इंशाल्लाह दसांगा। तो फसलां इत्थे जिहड़ी कपाह की कटाई हो गई, तो गंदम की बिजाई हो चुकी है, तो होर भी कुछ इलाके ने जिदे ते फसल की कटाई हो रही है, गंदम की बिजाई भी हो रही है। यह है जी नहर, इत्थों नाल ही मोड़ है जे सड़क का, तो असी मेन रोड के उत्ते चढ़ जावांगे इंशाल्लाह। तो तुसीं रहो साडे नाल नाल, करो जी तुसी साढ़े चैनल अगे इन्ह जगह पर, क्योंकि तुहानू कपाह गड्डी हुई नज़र आती सी। हुण जिहड़ा कपाह का मौसम जिहड़ा खत्म हो रहा है, तो कणक की बिजाई जिहड़ी है वो शुरू हो रही है। तो यह जिहड़ा है कमांद भी बीजा होया, तो मैं काफ़ी दिनों तो बाद सैडा तो निकलिया, क्योंकि काम के हालात थोड़े जे डाउन है सन, तो बाहर नहीं निकल सकया। तो अज निकलिया होया सी, तो मैं क्या अपने दोस्तों नाल कुछ बाहर विलेज का विजिट करा दिए दोस्तों कि बाहर कंडीशन की है। तुहानू पता है कि हुण जिहड़ियां कपाहां ने वह वड्डियां जा चुकियां ने, तो गंदम की बिजाई जिहड़ी वह शुरू है, कुछ लोगों ने कर ली है और कुछ लोग रहिंदे ने। तो अज असी तुहानू लैके चलते हैं। जिहड़े जानवर है ने तुहानू नज़र आ रहे, ये वाहियां दे विच चारे वास्ते आए हुए ने। लोग काफ़ी दूर दराज तो फसलों के लैके आए हैं कि असी चारा करा दीए, क्योंकि जिहड़ा इन्ने माल नूं पट्ठे पाने बहुत ज़्यादा मुश्किल ने, तो इस करके ये छड़ियां की कटाई भी नाल कर देंदे ने। जिमीदारां दा भी कुछ फायदा हो जाता है, तो इन्हां दा भी फायदा है कि फ्री दे पट्ठे इन्हां नूं मिल जाते हैं। यह तुहानूं अगे मस्जिद नज़र आ रही होनी है, इत्थों तकरीबन 1/2 किलोमीटर का फासले का थोड़ा जिहा वाला है, उत्थे फाटक वगैरह भी बनया होया रेलवे ट्रैक का। तो असी जिहड़ा है वह शार्ट करके इत्थों क्रॉस करना है, क्योंकि हजे ट्रैक जिहड़ा मुकम्मल नहीं होया। यह आ गया जी चिश्तियां रोड, इस साइड में जाइए तो चिश्तियां है जे,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਸਿਟੀ ਹਸਲਪੁਰ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਲੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਵਲੋਗ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖੈਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਕਪਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਛਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਈਆਂ ਫਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇਗੇ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਹਸਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ।